आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिरते हुए मार्केट को देखते हुए। आप जानते हैं कि लमसम एक मंथ से जो मार्केट है वो गिरते ही जा रहा है, ठीक है। अब ऐसे में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो मार्केट है वो डाउन हो चुका है और ऐसे में अभी तक यहाँ पर डाउन होते ही जा रहा है, तो लोगों को जो डर है वो यहाँ पर हो गया है। तो वो सोच रहे हैं कि यार हमारा म्यूचुअल फंड इस समय करें कि ना करें, और इसी के साथ में यानी कि लमसम अमाउंट यानी कि एक ही बार में हम पैसा निवेश करें कि ना करें। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो से बताने वाला हूं कि आखिर जो कि म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसे को निवेश करना है तो आपको कौन कौन सी बातों को यहां पर ध्यान देना है और आपको करना चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर अभी करना चाहिए फिर आपको कुछ समय बाद करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। टूडे शेयर मार्केट, मैंने यहाँ पर लिखा टुडे शेयर मार्केट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कहने का मतलब है जो मार्केट है वो अभी नीचे की ही तरफ है, यानी कि देख सकते हैं निफ्टी 50 में। चलिए इस पर ही सिंपली क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यानी कि आज यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा देखने को मिला है ऊपर की तरफ, हालांकि इसमें नीचे की ही तरफ जा रहा था पर बाद में यहाँ पर थोड़ा सा हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पर हम 5 दिन की बात कर लेते हैं। आज की जो यहाँ पर माइनस में गया है जो मार्केट वो गया है 0.90%, यानी कि टुडे आज डाउन गया है। कहने का मतलब है इसमें 10% और बढ़ जाता तो 1% ही पूरा यानी कि घट जाता, ठीक है, पर यहाँ पर 90% ही गया है नीचे की तरफ 0.90%। इसके बाद में हम 5 दिन में बात कर लेते हैं, तो 5 दिन में आप देख सकते हैं यानी कि -2.86% गया है, और एक मंथ में हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माइनस जो कि 7.01% यहाँ पर डाउन गया है। तो कहने का मतलब है काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो मार्केट है वो डाउन जा रहा है, ठीक है, और अभी तक यहाँ पर डाउन ही चल रहा है। तो ऐसे में जो म्यूचुअल फंड में पैसे को यानी कि लमसम अमाउंट हम ऐड करें कि ना करें, ये काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल है और इसी से ही रिलेटेड मुझसे पूछा भी गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो लोग लमसम अमाउंट यहाँ पर ऐड करने की बात कर रहे हैं तो वो लोग सबसे पहली बात तो ये देखें कि आखिर जो म्यूचुअल फंड है वो कौन कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पली तौर पर बात कर लेते हैं, मैं ज़्यादातर जो अमाउंट है वो SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में ही करता हूँ, ठीक है, और कॉन्ट्रा के ही प्लान में करता हूँ मैं, ठीक है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड है कॉन्ट्रा के मैं उन्हीं में ही करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, जैसे कि अभी तो आप खुद ही देख सकते हैं एक दिन में ये माइनस में गया है -0.05% गया है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर हम यहाँ पर एक ईयर की ही बात कर लेते हैं, ठीक है, तो एक ईयर में इसने दिया है 42%, ठीक है। 42% में अगर चला भी जाता है, 7 माइनस कर देते हैं हम, तब भी तो हमें काफ़ी बच रहा है, ठीक है, इसमें 35 बच रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर आपके पास समय है तभी पहली बात तो तब आप म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करें। और आपको बता दूं जैसे कि अगर आपका पैसा यानी कि इसमें माइनस में जाता जा रहा है, ठीक है, यानी कि लॉस हो रहा है आपको और जो मार्केट है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, या फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और आपको वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ को लेकर आपको म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ मैटर नहीं करती है इसमें, ठीक है। क्योंकि अगर आज जो मार्केट है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो कल ऊपर की तरफ जरूर जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये देखना है कि जो सही म्यूचुअल फंड है वो कौन कौन से हैं, और इस समय जो मार्केट है वो डाउन चल रहा है, ठीक है। और आपको बता दूं जब भी जो NAV होती है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि NAV की फुल फॉर्म होती है नेट एसेट्स वैल्यू, ठीक है। अब जो भी हम म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश करते हैं तो वहाँ पर हमें यूनिट यानी कि NAV मिलती हैं। अब वो NAV सस्ती है या महंगी है ये निर्भर करती हैं इसी के साथ में आपने कितनी महंगी खरीदी है, और उसके बाद में जो मार्केट है डाउन जाता है या फिर ऊपर जाता है तो उसी हिसाब से जो NAV की वैल्यू है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर बता दूँ जैसे कि SIP है या फिर म्यूचुअल फंड है, उन लोगों को तो जल्दी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड में आप पैसे को निवेश कर रहे हैं तो उनके खुद फंड मैनेजर होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे कि ये है SBI का, तो यहाँ पर जो
है एक्सपेंसिव रेट, ठीक है, तो ये कंपनी को सिक्योरिटी के तौर पर पैसा जाता है, ठीक है, इसी को ही हम एक्सपेंसिव रेट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पैसा कंपनी को जा रहा है। अब कंपनी के जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, जैसे कि ये म्यूचुअल फंड है, अब इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर होते हैं, जैसे कि ये हैं, जैसे कि दिनेश और प्रदीप, अब इनके ऊपर प्रेशर होगा कि भाई ये म्यूचुअल फंड में इतना नुकसान हो रहा है, इनकी लॉस हो रहा है, तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है, तो जो कंपनी ओनर होगा वो इनके ऊपर प्रेशर डालता होगा विकट, तो इन जे और ज़्यादा मेहनत करते होंगे, ठीक है, तो ऐसे में अब आपको क्या करना चाहिए, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा धीरज बना के रखना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट ही नीचे की तरफ जा रहा है तो कहने का मतलब है जो फंड मैनेजर है वो यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी अपनी जितनी भी कोशिश होती होंगी पूरी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, पर यहाँ पर अगर ऐसे में डाउन जाता है और लॉस होता है लोगों को, तो कहने का मतलब है इस म्यूचुअल फंड का तो जो है ये म्यूचुअल फंड इसका तो नाम बदनाम होगा ही होगा, इसी के साथ में इस कंपनी का भी होगा, यानी कि SBI जो कि प्राइवेट एक कंपनी है, ठीक है, तो उसका भी यहाँ पर नाम बदनाम होगा, ठीक है, तो ऐसे में ये लोग पूरी मेहनत करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अगर आप इसमें पैसे को निवेश करना चाह रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आखिर ये मार्केट है वो कब तक डाउन जाता है, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया जैसे कि निफ्टी 50 है, अब इसके अंदर कुछ कंपनियां हैं जो कि अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, ठीक है, तो उनमें पैसों को निवेश किया जा रहा है, वो कंपनियां जब तक उछाल नहीं मारेंगी तब तक यहां पर आपको लॉस देखने को मिलेगा, जो मार्केट है वो डाउन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो आपको यहां पर कुछ समय तक धीरज बनाए रखना है, ठीक है, अब मैं आपको यहां पर जैसे कि एक मंथ से ये डाउन ही जा रहा है, ठीक है, तो आपको ये देखना है जब यहाँ से ये हल्का सा थोड़ा भी लगे कि हाँ ऊपर की तरफ जाने के लिए अब तैयार है, तब आपको उसी समय म्यूचुअल फंड में अपने पैसों को निवेश कर देना है, ठीक है, हालांकि मैंने जब म्यूचुअल फंड में मेरा यहाँ पर जब लॉस मैं देख रहा था इस मार्केट के लिए, तो मैंने यहाँ पर अपने पैसों को निवेश किया था, ठीक है, जैसे कि यह है, तो मैंने इसमें कुछ पैसे यहाँ पर निवेश किए थे, जैसे कि 7,199, ठीक है, तो आप देख सकते हैं 7200 रुपये मैंने यहाँ पर लमसम निवेश किए थे, ठीक है, पर यहाँ पर उस समय जो मार्केट था वो डाउन था, ठीक है, और अब यहाँ पर और भी डाउन जा रहा है, तो कहने का मतलब मैंने डाउन में ही यहाँ पर पैसे को निवेश किया था, तो मैंने यहाँ पर लॉस अभी तक आप यहाँ पर देख पा रहा है 173 रुपये का हो गया है मुझे, ठीक है, तो हालाँकि इसमें कोई टेंशन लेने की वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आज मार्केट डाउन है तो कल ऊपर भी जाएगा ही जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आपको कब पैसे को इसमें निवेश करना है, और जिन लोगों का मन कर रहा है कि वो भाई अब इसमें से पैसे निकाल लें क्योंकि हमारा एक साल ऊपर हो गया है, ठीक है, और हम पे लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन ही टैक्स लगेगा, ठीक है, तो वो पैसे को निकालना चाह रहे हैं तो भाई वो पैसे निकाल सकते हैं, और उनसे मैं कहूँगा अगर आप चाहते हैं कि ना निकालें पैसे को और इसी के साथ में उसमें पैसे को रहने दें तो क्या लॉस होगा, तो भाई देखो इसकी गारंटी तो मैं तो दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पर मार्केट देखकर ही और वीडियो बनाता हूँ और उसी से ही आपको जानकारी देता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और पैसे निकालना ना निकालना आपके ही ऊपर रहता है, पर जो मार्केट की स्थिति है उस चीज़ को देखकर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो उसको लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।